हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल सुरेंद्र में। अभी तक आपने मेरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के दो लेक्चर देखे, ये मेरा थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और डिप्लोमा में आए हुए क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा एक्स क्या है? ये हमारा एक्स है एल्जेब्रिक फंक्शन, और कॉस स्क्वायर एक्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए और टी अप्लाई करेंगे। आई लेट हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड के लिए, ठीक। लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है। मैंने आपको मेरे सेकेंड या थर्ड लेक्चर में होगा कॉस टू एक्स के मैंने थ्री फार्मूले बताए थे। क्या था? टू कॉस टू एक्स का जो फार्मूला था, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये मैंने फार्मूला आपको बताया था। तो देन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? देन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, सॉरी फॉर इस केस, हाँ कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस टू एक्स, ये माइनस वन को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस वन अपॉन टू डिवाइड में जाएगा। तो ये तो मैं इसको पहले फॉर्म में कन्वर्ट ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने में आपको डिफिकल्टी महसूस होगी या डिफिकल्टी आपको आएगी, इसलिए मैं इसको सिंपली फंक्शन में कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन या मतलब जो रिविजन पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या आते हैं रिविजन के लिए, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें सारे रूल्स, फंडामेंटल रूल्स, फंडामेंटल बेसिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन, सब कुछ इस एक क्वेश्चन में आ जाएगा। तो एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जिनमें सारी चीज एक साथ अप्लाई हो जाए, तो वो उनको पता चल जाता है कि आपने ढंग से सीखा है या नहीं। तो इस क्वेश्चन से आपके काफी वो क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। देखते हैं एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को क्या पुट कर सकता हूं, वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, क्लियर दोस्तों, इंटू डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैंने ये वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू पुट कर दिया। अब देखते हैं ये x, ये क्या आ जाएगा, वन बाई टू प्लस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू डी एक्स। इतना क्लियर है दोस्तों? मैंने क्या किया, मैंने इस टू को यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड किया, अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं, x बाई टू प्लस एक्स कॉस टू एक्स बाई टू डी एक्स। इतना क्लियर है दोस्तों? इसके बाद वन बाई टू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, यहाँ पे मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ और इसको अलग से, एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स, क्या किया, वन बाई टू पूरे से कॉमन ले लिया, एक्स डी एक्स ये हो गया, एक्स कॉस टू एक्स ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे वन बाई टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, क्लियर, प्लस इंटीग्रेशन ये ब्रैकेट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स, क्लियर। इसको फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड, ठीक है, ये आ गया वन बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू फर्स्ट। अब तो ये एलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट सेकेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का क्या लेंगे, सेकेंड का पहला जो को तो दूसरे का समाकलन, तो कॉस टू एक्स का क्या हो जाएगा समाकलन, कॉस टू एक्स का हो जाएगा साइन टू एक्स। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कॉस टू एक्स का कैसा करेंगे, कॉस टू एक्स डी एक्स का हम टू एक्स को लेंगे टी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो कॉस एक्स का पता होता है, तो हम उसको उसी फॉर्मूले बनाएंगे। तो टू डी एक्स इक्वल टू डी टी, देन डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी टी बाई टू। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉस इसको t ले लिया, dx की जगह क्या आएगा, dt टी बाई टू, तो क्या आएगा, वन बाई टू, और cos x का क्या होता है sin t, cos t का sin t, तो sin t बाई टू। अब sin को क्या, t को क्या लिया था, sin t को 2x, t को 2x, तो sin 2x बाई टू, तो ये क्या आ गया, x sin 2x बाई टू, क्लियर है। तो cos 2x का डायरेक्टली लिख सकते हैं sin 2x बाई टू माइनस पहले का अवकल गुणांक, तो x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, x का 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डी एक्स, और इसका पूरे का डी एक्स, क्लियर है दोस्तों। यहां से क्या आ जाएगा, वन बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स का क्या है, साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू डी एक्स,
कॉस टू एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स बाई टू। क्लियर है दोस्तों, इसको मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ। तो अभी तक ये आ चुका था वन बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स साइन टू एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू। सेम उसी वे में होगा जैसे साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स यहाँ पे टू एक्स है तो माइनस कॉस टू एक्स। अब ये टू एक्स कहाँ पे डिवाइड में चला जाता है जो भी उसके साथ होता है, ये आपको पिछले लेक्चर में आप तो पता ही चल रहे हो, टू एक्स को टी ले लिया और टू डी एक्स बाई डी टी, ये क्लियर है। ये वन बाई टू पूरे से कॉमन था, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स साइन टू एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस वन बाई फोर कॉस टू एक्स, ये हो गया। अब वन बाई टू से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस एक्स साइन टू एक्स बाई फोर प्लस कॉस टू एक्स बाई एट प्लस कॉस टेन। तो ये था मेरा बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लगता है मुझे ये, और ये अच्छा इंटीग्रेशन है तो आपको इंटीग्रेशन कवर करते रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, और भी जो क्वेश्चन है वो मैं कवर करूँगा, तो आपको कवर करने हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। और एक चीज़ याद रखनी है कि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको आएगा। तो मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन सारी चीज़ें आपको आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है देन यू शुड आस्क इन द कमेंट बॉक्स, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कहीं भी डिफिकल्टी आ रही हो तो जैसे कि सेमेस्टर एग्जाम नज़दीक है, तो सेमेस्टर एग्जाम के लिए और भी अगर सब्जेक्ट्स की नीड हो तो बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।